प्राइस जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तब प्राइस के ऊपर कंप्लीट सेलर्स के कंट्रोल होते हैं, लेकिन बीच बीच में बायर्स भी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण प्राइस उस एरिया में स्लो डाउन हो जाता है। और इस स्लो डाउन को देख के हमें लगता है यहाँ से ट्रेंड चेंज होके प्राइस ऊपर यानी अप ट्रेंड में जा सकता है। तभी अगर कोई बायर कंट्रोल कैंडल यहाँ बन जाता है तो हम बाय ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम देखा जाता है प्राइस फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाता है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट होके हमें लॉस बुक करना पड़ता है। और ऐसा मिस्टेक ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेंड चेंज होगा या नहीं इसे ठीक से आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, और जब भी प्राइस थोड़ा स्लो डाउन होता है उसे ट्रेंड चेंज समझ के ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। तो ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड है, इसमें से प्राइस एक्शन मेथड सबसे बेस्ट है, और प्राइस एक्शन के अंदर भी अलग अलग मेथड से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज मैं आपको प्राइस एक्शन से ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई करने का एक इजी एंड इफेक्टिव मेथड सिखाऊंगा। इस मेथड से आप ना केवल डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई कर पाओगे, बल्कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चेंज को भी आइडेंटिफाई कर लोगे। इस मेथड को आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट में यूज कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इसे 1 डे और 1 वीक टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इस मेथड को। अभी आपके सामने एक चार्ट ओपन है, इसमें आप देखोगे प्राइस स्ट्रॉन्गली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और जब प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जाता है तो जो हाई यहाँ पे बन रहा होता है, यहाँ पे जो हाई बन रहा है आप देख सकते हो, वो हाई लोअर हाई बनते हुए जाता है, क्योंकि इसमें प्राइस के ऊपर कंट्रोल सेलर का ज्यादा होता है, इसीलिए सेलर कभी भी ये हाई को ब्रेक करने नहीं देता है। तो जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इस मेथड से अगर आप ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको इस हाई को ही ज्यादा फॉलो करना है। अगर एक बार भी इस हाई को ब्रेक कर देता है तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो सेलर का कंट्रोल था उस कंट्रोल को बायर ने भी अपने कंट्रोल में करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट कंट्रोल अभी सेलर के पास है, क्योंकि जो यहाँ पे हाई बन रहा है वो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो हम आगे का प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम ये जो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा था उस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया। तो जब भी कोई कैंडल ने जो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है उसको एक बार भी ब्रेक करता है तो उसका प्रीवियस कैंडल के मतलब ये कैंडल से आपको एक ट्रेंड लाइन खींचना है, इसका हाई के ऊपर से एक सीधा ट्रेंड लाइन खींच लेना है, और उसी कैंडल का लो के लो से एक सीधा ट्रेंड लाइन खींच लेना है। अभी आगे का प्राइस एक्शन को आपको देखना है। अगर प्राइस ये जो लो से आप ट्रेंड लाइन खींचे हो इसको एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बना के ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं, आप इस ट्रेंड लाइन को निकाल देना और आगे का प्राइस एक्शन देखना है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम बिताने लग जाए तो आपको प्राइस एक्शन को देखना है, और अगर एक कैंडल ये यहाँ पे जो हाई बनाया था इस हाई के ऊपर चला जाता है और जो लो है जिस कैंडल ये ऊपर जा रहा है उसका लो भी इस हाई के ऊपर चला जाता है, तब आप मानोगे कि ये जो ट्रेंड था सेलर के कंट्रोल में मतलब डाउन ट्रेंड में था ये ट्रेंड अभी अप ट्रेंड हो रहा है। तो हम आगे का प्राइस एक्शन देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस इसी जगह पे फाइट करना शुरू किया, मतलब सेलर और बायर दोनों ही प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश किया, लेकिन जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपने लगाया था उस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे ये नीचे के साइड भी ब्रेक डाउन नहीं किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और अप साइड में भी जो कैंडल बनाया इसके ऊपर जो गया कैंडल उसका लो भी इस हाई के ऊपर नहीं गया। तो आपको और भी कैंडल देखना होगा यहाँ पे। फिर आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल बन जाता है जिसका ये लो है वो ये जो हाई बनाया था इस हाई के ऊपर है इसका लो। तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि जो डाउन ट्रेंड था मतलब जो सेलर प्राइस को कंट्रोल कर रहा था वो कंट्रोल अभी बायर के पास आ चुका है, मतलब ये ट्रेंड अभी यहाँ से चेंज हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस इस कैंडल बनाने से पहले अगर नीचे साइड ब्रेकडाउन कर देता था एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो ये मेथड काम नहीं करेगा इस जगह पे, तब आपको यहाँ से निकल जाना है और फिर फर्दर प्राइस एक्शन को देखना है। जैसे इस जगह पे आप देख सकते हो प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो हाई बनाया लोअर हाई बनाते हुए जा रहा था और फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक किया, तो आप यहाँ से इसका प्रीवियस कैंडल से एक ट्रेंड लाइन खींच लिया हाई से और लो से एक ट्रेंड लाइन खींच लिया, फिर इसको देखिएगा ब्रेकआउट किया लेकिन इस हाई का ऊपर नहीं गया कोई भी कैंडल, मतलब जो लो है ये भी नहीं गया, उसके पहले ही आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बना के इसका नीचे क्लोज कर गया। तो आप इसको फर्दर और देखोगे नहीं, आप आगे का प्राइस एक्शन देखोगे और उसकी सबसे स्टडी करोगे, जैसे ये नीचे आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा इस मेथड का। तो ऐसे इस जगह पर आप देखोगे जो लेटेस्ट कैंडल है इसका लो भी
ये कैंडल का हाई के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। अभी इसका साइकोलॉजी को आप समझिए। देखिए, पहले प्राइस सेलर के कंट्रोल में था और सेलर कंट्रोल कर रहा था स्ट्रॉन्गली इसको, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस एरिया में बायर आकर प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। उसके बाद बायर और सेलर दोनों ही फाइट करना शुरू कर दिया यहाँ पे प्राइस को अपना कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन लेटेस्ट कैंडल में आप देखिएगा, इसका लो यहाँ पे इस कैंडल का हाई के ऊपर है और एक स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल कैंडल है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो सेलर कंट्रोल कर रहा था स्ट्रॉन्गली जिस एरिया में, उस एरिया को क्रॉस करके अभी प्राइस ऊपर जा चुका है और उसका लो भी उसके ऊपर आ चुका है। मतलब बायर अभी प्राइस के ऊपर कंप्लीट अपना कंट्रोल कर चुका है और सेलर का जो कंट्रोल था उसको रिजेक्ट कर चुका है यहाँ पे। तो हमें इस मेथड से पता चल चुका है कि जो डाउन ट्रेंड था वो अभी खत्म हो चुका है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे बाइंग डिसीजन लेना चाहिए? तो नहीं, इसके लिए आपको फर्दर प्राइस एक्शन स्टडी करना है। इस मेथड से तो यहाँ पे पता लगा चुका है कि प्राइस यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या बाय करना है उसके लिए कैसे एनालिसिस करना है आप देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इस एरिया में प्राइस फाइट करना शुरू किया, मतलब बायर और सेलर दोनों ही प्राइस को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये लो बनाया और ये जो लो है ये एक हायर लो बनाया, फिर ये जो लो है ये एक हायर लो बनाया। मतलब हायर लो का मतलब क्या है? प्राइस जितना राइट साइड जा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन बना रहा है, उतना ही बायर प्राइस को अपना कंट्रोल में करके ऊपर साइड ले जा रहा है। और फाइनली आप देखोगे यहाँ पे जो पैटर्न बनाया पोल एंड फ्लैग पैटर्न, उल्टा पोल एंड फ्लैग पैटर्न, उसको भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के प्राइस क्लोज कर गया। तो यहाँ पे आपका बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो हम देखते हैं उसके बाद प्राइस में क्या हुआ था। तो देखिए, उसके बाद जो बायर प्राइस को यहाँ पे कंट्रोल किया और जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को चेंज कर दिया था, वो अभी कंप्लीट प्राइस को कंट्रोल करके अपसाइड लेके जा चुका है। तो इस तरह आप इस मेथड से जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी अपसाइड से डाउन साइड जो ट्रेंड चेंज होता है उसको कैसे इस मेथड से आइडेंटिफाई करते वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है और जो यहाँ पे लो बन रहा है वो हायर लो बनाते हुए इस तरह जा रहा है। यहाँ पे ये हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो अप ट्रेंड के लिए आपको क्या देखना है कि कब ये जो हायर लो बन रहा है इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा है। तो हम आगे का प्राइस एक्शन देखते कि कब इसको ब्रेक करता है। तब देख सकते हो ये जो हायर लो बनाता है इसको फर्स्ट टाइम ये ब्रेक कर दिया। तो यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके हाई से एक आपको ट्रेंड लाइन खींचना है, फिर आपको फर्दर प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया, लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर जाके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के क्लोज करता तो इस मेथड का कोई काम नहीं है। लेकिन क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाता है, इस कैंडल में ही प्राइस नीचे आ गया लेकिन इस लो के नीचे नहीं आया, फर्दर ये कैंडल बनता है। तो आप देखोगे इस कैंडल का जो हाई है वो इसका लो के नीचे आ गया है, मतलब जो कंट्रोल था प्राइस के ऊपर बायर का वो कंट्रोल अभी सेलर अपने हाथ में ले चुका है, इससे हमें पता चल रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट अप ट्रेंड में जब जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हायर लो बनाते हुए जाता है, फर्स्ट टाइम जिस कैंडल में हायर लो को ब्रेक करता है, जैसे इस कैंडल को हायर लो ब्रेक किया तो उसका लो से आपको एक ट्रेंड लाइन खींचना है और उसका हाई से आपको एक ट्रेंड लाइन खींचना है। अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के क्लोज करता है तो इसका कोई काम नहीं है इस मेथड का। अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है और जिस कैंडल का हाई इस लो का भी नीचे चला जाता है, वहां पे आपको मान लेना है कि जो अप ट्रेंड जा रहा था वो अप ट्रेंड अब चेंज होके डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये नीचे जा सकता है। तो अभी क्या आपको यहाँ पे सेल कर देना है, तो उसके लिए आपको फर्दर प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, उसके बाद प्राइस यहाँ पे सेलर ने अपने कंट्रोल में कर चुका है और जिस कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिला है उस कैंडल का जो शैडो है आप देखोगे वो थोड़ा ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। दूसरा चीज आप देखोगे जहां पे इस कैंडल का क्लोज हुआ उसका प्रीवियस एरिया में एक फाइट एरिया था, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही प्राइस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश किया, तो हो सकता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट मिलकर प्राइस ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। तीसरा कारण आप देखिए कि प्राइस शार्प नीचे आया, मतलब बायर कंट्रोल में था यहाँ पे लेकिन शार्प सेलर ने कंट्रोल करके नीचे लेके आ गया, तो कभी भी बायर यहाँ पे अटैक करके ऊपर ले जा सकता है क्योंकि यहाँ पे फाइट हुआ नहीं।
अगर यहाँ पे फाइट होने के बाद फिर से जाता है इस तरह कैंडल बनाता तो यहाँ पे सेल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फाइट नहीं हुआ तो आपको फर्दर प्राइस एक्शन को देखने के लिए वेट करना है यहाँ पे। तो हम आगे देखते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। फिर आप देखोगे इस एरिया में थोड़ा फाइट हुआ, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का अंदर फाइट हुआ और फाइनली इस कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बना के इसको भी ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन को ठीक से पढ़िए। अब ट्रेन में जा रहा था, फिर ये ट्रेन चेंज का सिग्नल हमें यहाँ पे मिल चुका है, फिर यहाँ पे फाइट होना शुरू करता है इस एरिया में और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बना के उस एरिया को भी ब्रेक डाउन किया। तो आप ठीक से देखोगे ये एक पैटर्न भी बन रहा है, इस तरह का उल्टा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है और उसको भी ब्रेक डाउन करके ये क्लोज कर गया और लेटेस्ट कैंडल अभी स्ट्रॉन्ग सेलर के कंट्रोल में है। तो इतना सारा कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, मतलब शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो फर्दर हम देखते हैं कि इसके बाद प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो उसके बाद आप देख सकते हो सेलर प्राइस के ऊपर कंट्रोल छोड़ा नहीं है और प्राइस को अप ट्रेंड से कन्वर्ट करके डाउन ट्रेंड में लेके चला गया। तो इस तरह इस मेथड से आप अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड कन्वर्ट कर रहा है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपना जो सेल सिग्नल है उसे और भी ज्यादा कंफर्मेशन के साथ आप सेल कर सकते हो। और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जब कन्वर्ट कर रहा है इस मेथड से आप अपना जो बाय सिग्नल है उससे ज्यादा कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हो। तो ये तो था हमारा थ्योरी क्लासेस, इसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाया। अभी एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं प्रैक्टिकल चार्ट में आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह काम करता है। तो अभी आपके सामने जी एंटरटेनमेंट का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और यहां पे ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है ये 6 दिसंबर 2021 का है। तो अब देखोगे प्राइस यहाँ पे जो लो बन रहा था वो हायर लो बना के इस जगह पे जा रहा था, यहाँ पे हायर लो बनाते हुए यहाँ पे जा रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम इस जगह पे ये हायर लो को ब्रेक करता है। तो जैसे ही ये हायर लो को ब्रेक किया तो आपको इस कैंडल का हाई से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है और इसका लो से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। तो आपको ट्रेंड चेंज कैसे पता चलेगा, इस जो लो है इस लो का नीचे भी कोई भी कैंडल अगर जा रहा है और उसका हाई उसका नीचे जा रहा है तो आपको ट्रेंड चेंज पता चलेगा। लेकिन अगर इसका हाई को क्रॉस करता है कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के तो आपको इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे इस कैंडल नहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के इस हाई को क्रॉस कर गया तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप देखोगे फर्दर ये फिर से इसका जो लो है वो हायर लो बनाते हुए यहाँ पे जा रहा है और ये कैंडल ने फिर से इसको ब्रेक किया। तो इस कैंडल का लो से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे और इसका हाई से एक ट्रेंड लाइन खींच दोगे। अगर ऊपर साइड ब्रेक कर जाता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के तो इसका मतलब नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है इस जगह पे देखिए ये लंबा वाला कैंडल इसका हाई इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है। तो आपको इस मेथड से जानने को मिल रहा है कि ये जो ट्रेंड था ये ट्रेंड यहाँ से कन्वर्ट होकर नीचे जा सकता है और इसका क्लोज इस जगह पे होता है। तो क्या आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस जगह पे आप सेल कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक अप ट्रेंड में था और इसको क्रॉस करके ये क्लोज किया। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर को सेल करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो कैंडल है इसका बॉडी बहुत लंबा है तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा जो बहुत ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो कभी भी अगर लंबा कैंडल बन रहा है जैसे नॉर्मल बनता है उससे बड़ा कैंडल बन रहा है तो उस जगह पे अगर कोई भी सेलिंग डिसीजन या बाइंग डिसीजन मिल रहा है तो तुरंत आपको बाय या सेल नहीं करना है अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। उसके बाद आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखना है, फिर अगर कोई सिग्नल देता है तो आप जाकर बाय करना है। लेकिन अगर एग्रेसिव होकर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो फर्दर क्या होता है प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता है और इस जगह पे बायर और सेलर दोनों फाइट करना शुरू करता है। तो उसका प्रीवियस एरिया देखिएगा, यहाँ पे भी बायर और सेलर दोनों फाइट किया था। तो फाइनल इस कैंडल को देखिएगा कि उस एरिया को ये क्रॉस करके फिर से नीचे क्लोज किया और यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे इस एरिया से ऐसे यहाँ से तब देखोगे उस ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक करके क्लोज किया। तो यहाँ पे आपका जो सेल सिग्नल जनरेट होता है तो वो ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे वो जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे सेल होता है तो आप जो स्टॉप लॉस होगा वो इस फाइट एरिया के ऊपर आप रख सकते हो। फिर फर्दर आप देखोगे प्राइस यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम बिताया, फिर नीचे आ गया। तो ये था डाउन साइड के लिए। अभी अपसाइड के लिए देख लेते हैं। तो अपसाइड के लिए आप देखोगे उसी चार्ट में जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे आप देखिएगा जो हाई है वो लोअर हाई बनाते हुए यहाँ पे जा रहा था, लेकिन इस कैंडल ने इस लोअर हाई को फर्स्ट टाइम ब्रेक किया तो इसका हाई से एक ट्रेंड लाइन खींच दोगे और इसका लो से एक ट्रेंड लाइन खींच दोगे। तो अगर प्राइस इसका लो को ब्रेक करता है सेलर कंट्रोल कैंडल बना के तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
लेकिन क्या होता है, इस कैंडल को आप देखिएगा, इसका जो लो है इस हाई के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपको इस मेथड से जानने को मिल रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो सकता है। तो अभी आपको क्या यहाँ पे बाइंग डिसीजन लेना है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, देखिएगा ये जो कैंडल, ये भले ही इसका ऊपर आ गया है लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल था वो कंप्लीट बायर का कंट्रोल नहीं था। यहाँ एक रेड कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे सेलर का भी कंट्रोल इस कैंडल में। तो फिर ये नीचे आया, फिर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया इस जगह पे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है इस एरिया में। यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर के लिए यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पहले ही आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है इस मेथड से कि ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, और फिर उसके बाद जाके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे जब ये लो बनाया आप देखोगे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो एक W जैसा पैटर्न बना रहा है और उसी एरिया में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो उसी मेथड का जो कंफर्मेशन है उस कंफर्मेशन का सेकेंड टाइम लीजिए। यहाँ पे आपको मिला लेकिन बाइंग सिग्नल नहीं मिला, प्राइस नीचे आ गया, तो सेकेंड टाइम उसी कंफर्मेशन का वेट कीजिए। तो इस कैंडल में देखिएगा वही कंफर्मेशन दे दिया, क्योंकि इसका जो हाई है उस हाई के ऊपर इसका लो चला गया, तो इस जगह पे आपका बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस फिर ऊपर चला गया। तो इसी तरह आप ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हो इस प्राइस एक्शन मेथड से। और भी बहुत सारा मेथड है, इसके पहले भी मैं आपके साथ एक मेथड शेयर किया था जो 2B रिवर्सल पैटर्न जिसको कहता है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन कब किसको इंप्लीमेंट करना है, कौन सी सिचुएशन में किसको इंप्लीमेंट करना है, वो डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस है। आप चार्ट में जाइए, इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सी मेथड से मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके अलावा और भी अलग अलग मेथड है प्राइस एक्शन के ऊपर जो मैं आगे आपके साथ शेयर करते हुए जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस तरह का एडवांस प्राइस एक्शन अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर प्राइस एक्शन लिख देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।